देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज नागपुर में वन भवन की नई इमारत का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते उद्घाटन किया गया। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने माजी खासदार विकास महात्मे से वन भवन की नई इमारत की विस्तार से जानकारी ली। तो आइए देखते हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज वन विभाग की नई इमारत का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथ से हुआ है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए माजी खासदार विकास महात्मे सर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इस पर पूरी उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज में स्वागत है। आप क्या बताना चाहेंगे, आज इमारत का उद्घाटन हुआ मुख्यमंत्री के हस्ते और जो 54 लोगों का सम्मान दिया गया उन्हें क्या कहना? आज माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, वैसे ही अपने आदरणीय वन मंत्री सुधीर भाव मुंगंटीवार, इनके उपस्थिति में इसका उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें नया वन प्रशासन के लिए नई एक इमारत लोकार्पण हुई, जिसे हम वन भवन कह सकते हैं। उसमें 14 प्रकार के जो उसमें सब सेक्शंस हैं, वो सभी सब सेक्शन एक ही जगह में, यानी सभी लोगों को काम करने के लिए समाधान प्राप्त हो, ऐसे समाधान बिल्डिंग हम उसको कह सकते हैं, समाधान भवन कह सकते हैं, ऐसा ये वन भवन तैयार हुआ है। और सब लोगों को इसके बारे में खुशी है कि उनके जो प्रश्न रहते हैं, उनकी जो परेशानियां रहती हैं, वो सब परेशानियां एक ही जगह पे दूर हो जाएगी। वैसे ही ये वन विभाग में जिन्होंने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि यहाँ बाघ की संख्या, टाइगर की संख्या बढ़ गई है, जो पहले कम थी अभी बढ़ गई है। वैसे ही वन क्षेत्र की जैसे ट्री प्लांटेशन अब करोड़ों में हो रहा है, तो माननीय सुधीर बाबू जी जो है उनके सुधीर बाबू जी के इसमें ये बढ़ रहा है। और जिस जो वन विभाग के जो भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको पदक दे के आज सम्मान दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि क्या है, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो भी अच्छा काम कर रहा है, उसे ऐसा लगे कि मैं और काम करूं, और अच्छा काम करूं। और यह एक समारोह हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका हम सम्मान कर रहे हैं। और मुझे लगता है और वन विभाग जो लोगों की अपेक्षाएँ वो पूरी तरह से पूरा करेगा। सर, ये भवन बनाने की कल्पना पहले से शुरू थी या ऐसा ये किसका आइडिया था कि यहाँ पर ऐसा वन बनाना चाहिए था? वन भवन बनाने का काफ़ी साल पहले सुधीर भाव मुंगंटीवार जब वन मंत्री थे तभी से, और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस तब मुख्यमंत्री थे, तभी से इसकी शुरुआत हुई थी। और आज बहुत खुशी है कि उनके उपस्थिति में आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जो मुख्यमंत्री है, और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और सुधीर भाव मुंगंटीवार, इनके उपस्थिति में ही इसका लोकार्पण हुआ। रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इस तरह से आज वन भवन का उद्घाटन हो चुका है। अब वहाँ पर जो भी अधिकारी है, वो उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि चलो वो एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर सकेंगे। और इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रही है री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।